आपको पता है दोनों मुकदमे यहाँ मेरे ऊपर है। जब यहाँ प्रधान सत्यमय देते की हत्या हुई आपको याद होगा, और हम बड़ी संख्या में वहां से आए, सरकार के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमें रोक दिया। एक घटना नहीं है उसके बाद, अगर आपको याद हो कि प्रधान मुन्ना पासवान जी के साथ क्या हुआ और वहां पुलिस के अधिकारी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। नौजवान साथियों, आपका उत्साह देखने लायक, लेकिन उत्साह के साथ साथ अपने आंदोलन को आगे भी बढ़ाना, हमें अपने आंदोलन को लक्ष्य की तरफ लेके जाना, ये लोकतंत्र है। मेरे आज भी याद है जब मैं 16 महीने जेल में था, एक एक रात ये सोच के काटा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने रहबरों के आंदोलन को आगे लेके चलूंगा, उसने उस आंदोलन को पूरा करूंगा। क्योंकि माननीय साहब श्री काशीराम ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। हम जिंदा लोग हैं और हम अपनी आंखों के सामने इस मिशन को मरता हुआ नहीं देख सकते। ये आंदोलन शोषित वंचित वर्ग के लोग आंदोलन है, ये आंदोलन सताए गए लोग आंदोलन है, ये आंदोलन उन लोग आंदोलन है जो हाशिए पे लोग हैं। लेकिन कब तक वो लोग हाशिए में पड़े रहेंगे? 98% लोग इस राजनीति में पैसा कमाने, पावर अपने हाथ में लेने, गाड़ी बंगले बनाने के लिए, तमाम तरह से कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए राजनीति में घुसते हैं। लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, उसको पूरा करने के लिए पिछले 5 साल से लगातार मुकदमे, जेल, आदि तूफान में आंदोलन, तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, पदाधिकारियों का। मेरे आज भी याद है कि यहाँ एक घटना हुई थी और एक नौजवान हमारा छोटा भाई यहाँ अंशु, वो बारिश में बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ न्याय के लिए, और उसने हमसे कहा कि भैया देखे, हम बारिश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। मैं बस आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन भी सुनेगा, ये सरकार भी सुनेगी। अगर आपने अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा में भेज दिया, आपकी आवाज सड़क से उठकर विधानसभा में चली गई, तो ये सब लोग सुनेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक होती है। आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक आप फर्जी रहनुमाओं के भरोसे रहोगे। बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव के समय आपके बीच आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। एक बार आप ये भी याद रखना कि 5 साल से आपके लिए सड़कों पे लड़ कौन रहा था, जब अन्याय अत्याचार जुल्म जाति हुई, तमाम तरह से शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए, उनके खिलाफ कानून बने, निर्दोष बच्चों में मुकदमे लगे, जेल भेज दिया गया, यहाँ एजुकेशन का बजट कम हुआ, यहाँ स्कॉलरशिप खत्म की गई, आरक्षण पे भर्तियों में आरक्षण के घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, और रेप हत्या जैसे मामलों में भी सरकार के लोग प्रशासन पर दबाव बना के आरोपियों को संरक्षण देते रहे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आज तक हमने कभी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अब लोकतंत्र का पर्व है, जिम्मेदारी आपके हाथ है, हमने इस लड़ाई को कमजोर नहीं छोड़ा, आप इस लड़ाई को कमजोर न छोड़ना। आने वाले 2 से 3 दिन आपके पास है, 7 तारीख को आपके वोट पड़ेंगे। अपने वोट को इस बार शोषित वंचित वर्ग की तरक्की के लिए, माननीय अमित चंद यादव जी को डालकर, इनके चुनाव सिर्फ केंद्रीय इंसान पर डालकर, मेरे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करके।